अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं अलकलम एजुकेशनल चैनल, यू आर वाचिंग अलकलम एजुकेशनल चैनल। बिजनेस स्टडीज आइकॉन पार्ट टू का हमने जो है मोड स्टार्ट किया हुआ था। अब आपको ये बताते चले, इसमें जो हम मोड, मीडियन और मेन करवा रहे हैं, इसमें किसी भी दुनिया के जो बच्चे हैं वो इसको सीख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो बच्चे कॉमर्स पढ़ रहे हैं, स्टैट पढ़ रहे होते हैं, वो उसमें जो है लाजमी आते हैं, तो कोई बच्चे के ये सब बच्चों के लिए है, ठीक है। अब हम मोड की बात करते हैं कि मोड क्या करते हैं। अब आपके इस चैप्टर में मेन मोड और मीडियन है, जिसको अगर आपने कर लिया तो आपका सवाल क्लियर हो जाता है। मेन उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। मोड करेंगे साथ मीडियन है, आपका चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। अच्छा जी, मोड की कहते हैं कि मोड चीज़ होती क्या है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ गिवन डाटा इज कॉल्ड मोड। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ गिवन डाटा इज कॉल्ड मोड, यानी वो रकम जो डाटा में बार बार आए वो आपकी क्या कहलाती है, मोड कहलाती है। इसकी एग्जांपल दे देते हैं, देखिए 1 2 3 3 4 5 6। अब देखिए इसमें कौन सी रकम बार बार आ रही है, ये 3 आ रही है, तो 3 आपका क्या हो गया, मोड हो गया, ठीक है। ये जो रकम बार बार है वो आपकी क्या कहलाएगी, मोड कहलाएगी। अब दूसरे एग्जांपल आपको दे देते हैं ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। 5, अगर आपसे कहा जाए कि इस सवाल में मेरे पास क्या मोड है, देखिए इसमें 6 भी 2 दफ़ा आया हुआ है, इसमें जो है 7 भी 2 दफ़ा आया हुआ है, इसका मतलब है मेरा 6 भी मोड है और मेरा 7 भी मोड है, ठीक है। सिंपल सा है कि जो रकम बार बार आए वो आपकी क्या कहलाएगी, वो मोड कहलाएगी। और ये इस तरह क्वेश्चन आपके ज़्यादातर एम सी क्यूज़ में आते हैं, लॉन्ग में नहीं आते, तो ये अच्छी तरह से उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ग्रुप डाटा में बस ये चीज़ थी इसकी, ग्रुप डाटा की, अनग्रुप डाटा की बता रहे हैं। अब हम आपको ग्रुप डाटे का एक ही फार्मूला बताएंगे, मोड का एक ही फार्मूला है, वो आप कर लेंगे तो आपके मोड के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं उसके ग्रुप डाटे के फार्मूले की तरफ। इसके ग्रुप डाटे का जो फार्मूला है वो क्या चीज़ है जिसे आपको करवानी है और क्लियर हो जाए। देखिए जी, मोड का फार्मूला पहले देख लें, फार्मूला आगे तो समझे सब कुछ है, उसमें साथ सब चाहते हैं। उसका फार्मूला ही एल है, एफ एम माइनस एफ वन, एफ एम माइनस एफ वन प्लस, अच्छी तरह से फार्मूला देखिए क्योंकि अलामत की मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, फिर उनका सवाल निकलता नहीं है, फिर कहते हैं पता नहीं किस तरह करवा दिए। अब आपको बताते हैं क्या क्या है। मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच, एच या सी लगा ले, इसका मतलब होता है इंटरवल। इंटरवल मतलब वक्फा कितना हो जाए, ठीक। अब आपको बताते हैं कि एफ एम क्या होता है। एफ एम का मतलब होता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एफ एम का मतलब होता है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, और एफ वन का मतलब क्या होता है, एफ एम से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी। अब ये साथ साथ करवाएंगे ना आपको समझ आ जानी है, ठीक है, एफ एम से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद है एफ टू क्या होता है, एफ एम से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन कराना तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये क्लियर हो गया, एल क्या होता है, एल होता है लोअर क्लास बाउंड्रीज। अगर आपने मैट्रिक में मैथ किया वही वाला पोर्शन तो आपको पता होगा कि क्लास बाउंड्रीज क्या होती है, वरना नहीं पता तो वही बता देंगे आपको। ये देखें, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी एफ एम, ठीक है, एफ एम से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी एफ वन, एफ एम से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी एफ टू, और एल आपका जो होता है लोअर क्लास बाउंड्रीज है। अब यहाँ तक उम्मीद है कि फार्मूला अच्छी तरह से देख लें। अब हम जब आपको क्वेश्चन कराएंगे ना, अभी आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह से क्लियर वगैरह हो जाएगा कि ये कैसे करना है, ठीक है। चलिए बुक की तरफ आते हैं, आप देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं। जो तो मैंने क्वेश्चन कटवा दिए हैं वो ठीक है, वो आप ना करें, मैंने कटवा दिए थे आपको कि 3.21, 3.22, ठीक है, इस तरह के सवाल आपको नहीं आते एग्जाम्स में। अब आते हैं 3.23 है, ये बहुत सिंपल है, इसलिए सिर्फ सिंपल था मैंने बताना आपको। फाइंड आउट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द डाटा, ठीक है, ये देखें 10, 6, 8, 0, 8, 3, 2, 2 एंड 8। एक आपको क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपको ना समझ आ जाए ये कौन से सिंपल जो मैंने आपको करवाए। ये देखिए पहला क्वेश्चन है 6, 8, 0, 8, 3, 2, 2, 2, 2 और 8। अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो आपसे कह रहा है कि इसमें बताएं कि मोड कौन सा है। अगर आप मोड से देखें तो आपके पास क्या क्या रकम आई है, देखिए 8 ये भी है, 8 ये भी है, 8 ये भी है, एक ये है, और 2 भी 2 दफ़ा है, इसका मतलब है 8 और जो है वो क्या है,
दो आपका मोड है, ये सिंपल आपको शॉर्ट में आएगा, ठीक है। ये देखिए नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए ये भी वैसे ही करना है, सी वाला भी वैसे ही करना है, डी वाला भी ऐसे ही करना है। अभी बटे वाला आ गया, आप कहेंगे कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए एक बटा दो, तीन बटा चार, एक बटा चार, तीन बटा पाँच, तीन बटा छः, दो बटा चार, एक बटा पाँच और तीन बटा सात, ठीक है। ये देखिए मेरे पास वैलीज पड़ी है, आप देखिए इसमें आपने कहना है कि कोई तो वैलीज है नहीं। अगर ये देखिए एक बटा दो तो है मेरे पास, तीन बटा चार भी दफाया हुआ है, ये भी दफाया हुआ है, ये भी दफाया हुआ है, लेकिन देखें तीन बटा सात भी दफाया हुआ है कि एक बटा दो तो है वो दो दफा आया हुआ, कैसे आया हुआ। अगर ये मेरे पास है टू बटा चार, अगर इसको मैं काट दूँ तो मेरे पास एक बटा दो आता है, इसका मतलब है ये और ये दो दफ़ा आए हुए हैं और यही आपका क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, ये आपके एम सी क्यूज़ में आएंगे और ये तो आपको समझ आ गई है कि जो वैल्यू कितनी दफ़ा आएगी वो आपका क्या कहलाएगा, वो मोड कहलाएगी। तो ये सारे जो स्टेप है ये तकरीबन आपने वैसे ही करने, ठीक है, ये जो स्टेप है सारे आपने ऐसे ही करने हैं। तो आगे चलते हैं, आगे में देखें इसमें क्या दिया हुआ उसने कि द फॉलोइंग डाटा इंडिकेट साइज ऑफ शूज़ और सोल्ड एंड स्टोर ड्यूरिंग अ गिवन वीक, फाइंड मॉडल साइज ऑफ द शूज। ये भी बॉस का आ जाता है, आप देखें अगर फास्ट आपको साथ फ्रिक्वेंसी भी दी और नंबर ऑफ पेयर शूज़ और ये दिया हुआ साइज शूज़, इसका निकालने का तरीका सिंपल मैं आपको बता दूँ, ईजी है कि जो फ्रिक्वेंसी सबसे बड़ी होगी ना वही आपका जो है वैल्यू मोड के रहेगा, जो फ्रिक्वेंसी सबसे बड़ी होगी ना वही वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, वो मोड के रहेगी, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद क्या है 3.25, ये तो आपने करना नहीं है। 3.26 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये आपको हम करके दिखाते हैं कि मोड का ग्रुप डाटे का, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जितने भी मोड के क्वेश्चन आएंगे इजीली आपने अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं। तो शुरू करते हैं, कोशिश ये अगर कि वीडियो को ना शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें, क्योंकि बास का हम बीच में कोई टिप्स या ट्रिक या कोई चीज़ बता देते हैं, आप वीडियो को शुरू से देख के बंद करेंगे फिर आपको भी समझ नहीं आनी, क्योंकि वीडियो को जब तक आप शुरू से देखकर आखिर तक ना देखेंगे तो चीज़ें कुछ रह जाती हैं। स्टूडेंट ऐसे पढ़े करते हैं जैसे चीज़ समझ आ गई जब बंद करती है, ये काम नहीं करना, जब चीज़ शुरू की है तो उसको आप पूरा तक देखे जाएँ ताकि आपको पता चले कि क्या समझाया जा रहा है। ये जी क्लासेस है मेरे पास, ये देखिए ये पॉइंट में ज़रा इसको गौर से, 3.0 4.0 4.9, ठीक है, 5.0 5.9 6.0 6.9 7.0 और 7.9 8.0 और आपके पास आ जाता है 8.9। उसके बाद फ्रिक्वेंसी मेरे पास क्या दी है उसने, 13 27 40 30 16 और 4, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन है मेरे पास और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है यही बताते हैं ताकि स्टूडेंट के लिए 3.26 ये क्वेश्चन मेरे पास है और इसमें से उसने हमें कहा है कि आपने मोड पॉइंट करके देना है। अच्छा जी, मोड का फार्मूला क्या बताया था ये ज़रा एक दफ़ा फिर आपको डेरिवेशन करवा दें ताकि आपको समझ आ जाए। ये है ना फार्मूला, अब आपको बारी बारी बताते हैं कि एफ एम क्या होता है। अब एफ एम का तरीका क्या होता है, मेरे पास ये फ्रिक्वेंसी पड़ी है ना, ठीक है, इसमें सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है, ये 40, ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी ना ये आपकी क्या है, ये आपकी एफ एम, ठीक है। मोड में फार्मूले में जो आपको एफ एम दिया होता है, फ्रिक्वेंसी में जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होगी वो आपकी क्या होगी, वो एफ एम होगी, क्लियर। उसके बाद एफ वन होता क्या है, सिंपल बहुत ईजी है कि आपको जो एफ एम है ना उसके ऊपर जो रकम होगी ना, एफ एम के ऊपर जो रकम होगी वो आपको क्या कहलाएगा, वो एफ वन कहलाएगा। जो रूल आपको बता रहे हो हमेशा ऐसे ही करने, चेंज नहीं होंगे, ठीक है। एफ एम क्या होता है, सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी, एफ वन क्या होता है उससे ऊपर वाली क्या होगी, वो हमेशा क्या होगी, एफ वन होगी। और एफ टू क्या होता है, उसके नीचे वाली बताया था मैंने, ये नीचे वाली इसकी क्या होगी, एफ एम एफ टू, ठीक है। ये देखिए ऊपर वाली एफ वन, नीचे वाली एफ टू, एक बार समझ ले कि एफ एम क्या होगा, जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होगी ना वो आपकी एफ एम होगी, ठीक है, और जो एफ एम वन होगा वो उससे ऊपर वाली जो होगी वो हमेशा एफ वन होगी और जो उससे नीचे वाली होगी वो हमेशा एफ टू होगी, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर हो गया, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब देखिए मुझे ये चाहिए एच इंटरवल, लेकिन अगर मैं इसको देखूँ ना, इंटरवल हम कैसे निकालते हैं चेक करने का, एक तो हम एक्स की वैल्यू से भी निकालते हैं या इन दोनों को माइनस करने से भी निकालते हैं। अगर मैं 3.0 माइनस 3.9 करूँ तो एक मिनट,
3.0 माइनस 3.9 करूं तो मेरे पास ऊपर 9 का आता है, ठीक है। हमें चाहिए होता है इक्वल इंटरवल जो हर चीज़ पे चल रहा हो, ठीक है, यानी नॉर ट्रांसपोर्टिस हम आराम से निकाल सकें और आपका क्वेश्चन भी हो जाए। ये जहन उठा रहे हैं कि जब भी आपने मोड निकालना है ये चीज़ें, बल्कि मैं आपके आसान तरीके समझाऊंगा ताकि इस तरह आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये चीज़ें अगर इक्वल नहीं है, देखिए इक्वल नहीं है। एक क्वेश्चन होता है जब आपने मीन का किया था ऐसे, ये देखिए 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, अगर आप देखें ये इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, इक्वल आ रहे हैं। अगर ये इक्वल नहीं है तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, क्लास बाउंड्रीज निकालनी पड़ती है। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालते हैं ये भी कॉन्सेप्ट देख लें। क्लास बाउंड्रीज निकालने का तरीका तो ये जहन में बैठा लें, इजी वे में समझाएगी तो बड़ा चौड़ा मैंने करवाना नहीं कि स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कि ये अगर इक्वल ना आपकी, ये अगर आपकी इक्वल ना, ये देखिए ये आपकी अपर वैल्यू है यानी ऊपर वाली, और ये वाली आपकी कौन सी है, लोअर वैल्यू है यानी नीचे वाली ऊपर वाली। अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो इसका मतलब है मुझे क्लास बाउंड्रीज हर हाल में निकालनी है, लेकिन अगर इक्वल हो तो आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए क्लास बाउंड्रीज निकालने का तरीका छोटी क्लासेस में करवाते हैं, आपकी नीचे वाली वैली को ऊपर वाली यानी इस तरह क्रॉस चल, नीचे वाली वैली ये 4.0 और ऊपर वाली वैली कौन सी है, -3.9, ठीक है। कितनी वैल्यू है, दो, इसको मैंने किया 2 पे डिवाइड। सबसे पहले आपने करना है 4.0 -3.9, क्या है मेरे पास 0.1, उसको 2 पे डिवाइड करना है, डिवाइड 2, ये देखें 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 0.05 आया, ठीक है। एक दफ़ा देख लें क्लास बाउंड्रीज निकालने का तरीका क्या होता है, कि जो आपकी अपर वैल्यू होती है उसे लोअर वैल्यू में से क्या माइनस करते हैं, यानी लोअर वैल्यू माइनस अपर वैल्यू, हमेशा से जब भी क्लास बाउंड्रीज निकालनी यही तरीका आपने अप्लाई करना है। ये कितनी वैल्यू मेरे पास 2 है, इसको आपने माइनस किया, माइनस करने के बाद 2 पे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया 0.05। अब देखें इसका क्या करना है, अब जो मेरे पास 0.05 आया है, ठीक है, ये वाली जो साइड है ना आपकी सारी, ये वाली साइड, इसमें 0.05 क्या होगा, माइनस होगा हमेशा से, और जो ये वाली साइड है इसमें 0.05 क्या होगा, हमेशा ऐड होगा। अब आपको साथ साथ करके दिखाते हैं, आप क्लियर हो जाइए। देखिए मेरे पास 3 पॉइंट, बल्कि यहाँ देखें 3.0 है ना, ठीक है, इसमें से मैंने माइनस क्या किया 0.05, देखिए मेरे पास क्या आ गया 2.5, ठीक है। एक साइड माइनस की, जो आपकी ये वाली साइड है इसमें आपने प्लस करना है, ये देखें 3.9 प्लस 0.05 क्या आ गया 3.95, ये देखिए 3.95। सारी आपने बार बार ऐसे ही करने हैं। इसी तरह जो 4.0 है, ठीक है, 4.0 में से आपने क्या माइनस करना है 0.05, ठीक है, क्या आ गया 3.95। अब जो मेरे पास 4. देखिए इसमें मैंने ऐड कर दिया, मेरे पास 4.95 आ गया। अब देखिए ये देखें, ये आपका इक्वल हो रहा है ना, तो क्लास बाउंड्रीज इसी वजह से बनाई जाती है, अगर आपकी चीज़ इक्वल ना हो। जब आप ग्राफ का चैप्टर करवाएंगे उसमें भी आपको क्लियर बताएंगे, दो मेथड होते हैं हमारे पास। तो क्लास बाउंड्रीज निकालने का तरीका ये है, समझ आ गई, ठीक है, नहीं भी आएंगे तो दोबारा आपको करवा देंगे। अब बाकी सारे तरीके आपने इसी तरीके से करने हैं। देखें इसको मैंने अगला किया तो मेरे पास आ गया 4.95, ठीक है, उसके बाद क्या है 5.95, उसके बाद ये क्या आ गया मेरे पास 5.95, बहुत सिंपल है ये 6.95 और 7.95 और 7.95 और 8.95। ये देखिए अगर मैं देखा जाए तो सारे मेरे क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये देखिए ऐसे देखें सारे इक्वल हो। तो ये क्लास बाउंड्रीज इस तरीके से निकलती है, जब भी क्लास बाउंड्रीज निकालनी है हमेशा इस तरीके से निकाली जाती है, ईजी, ठीक है। अब देखिए, अब हमने सिंपल कुछ भी नहीं करना, अब कैसे फार्मूला पुट करना है पहले आप अच्छी तरह से देख लें, फिर आपको बता देंगे फार्मूले में कैसे पुट करना है, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। अब क्लास बाउंड्रीज आपको नज़र आ गई, बल्कि सबसे पहले आपको बता देते हैं। अच्छा, अब देखें, अब एक फार्मूले में एक चीज़ रह गई थी आपकी, FMF1 का तो क्लियर हो गया होगा आपको, क्या चीज़ रहेगी एल, आपने कहा लोअर क्लास बाउंड्रीज कैसे पता चलेगी। देखिए लोअर क्लास बाउंड्रीज का कंसेप्ट भी अपने जहन में हमेशा याद रख लें के FM जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होगी उसके जो सामने वाला हिस्सा होगा हमेशा आपका L होगा, ठीक है। लोअर क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करनी है, आपकी जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होगी उसका सामने वाला हिस्सा हमेशा क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्रीज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 4.95 आपके पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्रीज है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस पे, फार्मूले के ज़रिए, वो आपको समझ आ गई, 4.95 याद रखें।
अब आपको समझ आ जाएगी। देखें मोड का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। फार्मूले जब करते हैं तो ध्यान से आपने ये प्लस माइनस का ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट रखते नहीं तो वो पालों की तरफ खपते रहते हैं और आंसर उनका आता नहीं है। अब आपको साथ साथ बताते हैं कि हमारे पास लोअर क्लास क्वांटिटीज़ क्या आई थी, आपको हमने बताया था 4.95, ठीक है, प्लस का निशान लगा दिया। एफ एम आपके पास क्या है, ये देखिए मेरे पास 40 है, ठीक है, ब्रैकेट लगा दें अपनी आसानी के लिए, 40 है, ठीक है। उसके बाद बीच में माइनस का निशान है। एफ वन मेरे पास क्या था, वो क्या था, 27 था, ये रहिए सिंपल है, बहुत ईजी है। इसी तरह नीचे भी वही है, देखिए एफ एम मेरे पास 40 है, एफ वन मेरे पास 27 है, बीच में प्लस का निशान है, फिर एफ एम मेरे पास 40 और एफ टू आपके पास क्या था, नीचे वाला 30, ठीक है। अब एच की बात करें कि इंटरवल कितने का था। अब मैं ज़रा आपको थोड़ा सा ना क्लास बाउंड्रीज का बताते हैं कि इनमें इंटरवल कैसे फाइंड कर रहे हैं आप। ये देखिए पहले जो क्या था वो ये था, ये निकला था ना, देख लें पीछे वीडियो करके बेशक देख लें, 2.95 में क्लास इंटरवल निकालने का तरीका क्या था, इन दोनों को माइनस कर लें, उसके तमाम रो में से किसी को भी माइनस कर लें। देखिए 2.95 माइनस 3 आपके सामने करके दिखाते हैं, 95 इसको मैंने माइनस किया तो 1 का इंटरवल आ रहा है। इसका मतलब है कि जितनी मेरे पास रो क्लास बाउंड्रीज की निकाली उन सब का कितने का इंटरवल आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो इस एच की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, ठीक। और ये आप जब जब भी क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, ये जब इसको सॉल्व करते हैं, ये मोड इज इक्वल टू, ये देखें 4.95 ऐसे निकला, प्लस आ गया, 40 में से 27 निकाला तो आपके पास क्या आता है, 13 आता है। ये देखें 40 में से 27 निकाला, फिर 13 आया और 13 के बीच प्लस किया, मेरे पास क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक। और ये मल्टीप्लाई आपका 1 है। अब देखिए सॉल्यूशन क्या है, 4.95 प्लस 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही आएगा, 13 के अंदर 10 को आप ऐड करें, 13 प्लस को जब आप 10 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल आपने क्या करना है, साथ बता देते हैं, 13 को आपने 23 पे डिवाइड करना है, जब मैं 13 को 23 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास आता है प्लस 0.57। अब 0.57 के अंदर मैंने प्लस किया 4.95 तो मेरे पास आंसर आ गया 5.52 इज इक्वल टू मोड। ये जी ये सिंपल सा सवाल है। अब अच्छी तरह से एक दफ़ा देख लें, ये ठीक है, उसके बाद ये स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है और फिर आंसर का स्टेप है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको करवाया है, क्योंकि जब आप सारी चीज़ ऊपर हाईलाइट कर लेंगे ना बस, फिर आपने इसको देखना फॉर्मूला पुट करना है, क्योंकि पास का जब आप जहन में रखते हैं बच्चे को लिखते नहीं है, क्वेश्चन करने के दौरान जल्दी में एग्जाम्स में टाइम नहीं होता तो फटाफट वो वैल्यूज पुट करते तो आंसर गलत आता। बेहतर तरीका ये है कि उसके ऊपर ना आप हल्की से पेंसिल से वगैरह से निशान लगा लें कि एफ वन है, ये है, एफ टू है और ये चीज़ है, फिर इसको आप उठा के यहाँ पर पुट कर लें, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं भी आए तो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, बताना है कि समझ नहीं आई, हम आपको फिर करवा देंगे। तो आज इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखना है, फिर हम आपको बताएंगे कि इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कौन कौन से और क्वेश्चन करने हैं जो एग्जाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी एक चीज़ ये भी है कि अकाउंटिंग का जो मैंने असाइनमेंट का क्वेश्चन दिया था वो स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो वो भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोशिश करें कि बच्चे अपना ईमेल आईडी जो है वो सेंड कर दें, ताकि अगर कोई भी चीज़ प्रोवाइड करनी हो तो हम ईमेल के जरिए जो है आपको भेज दें। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के साथ सब्सक्राइब भी करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि जब भी कभी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।